गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास मैथ की हमारी क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था 14th चैप्टर, और हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 का हमारा थर्ड सम जो कि है फैक्टराइज। हमने पहले फर्स्ट और सेकंड सम में फैक्टराइज जो फैक्टर्स थे वो करने सीखे थे, कॉमन फैक्टर निकाले थे। अब यहाँ पर हम कुछ इक्वेशंस यहाँ पर बड़ी होंगी उनमें फैक्टर्स देखेंगे कैसे निकालते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, तो हम क्या करेंगे इनको एक पेयर में बनाएंगे। जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, यहां से 8x प्लस 8y, इनको हम क्या करेंगे पेयर में लिख लेते हैं। फिर एक्स स्क्वेयर और एक्स वाई में क्या कॉमन हो सकता है, x, तो अंदर एक x यहां पर रह गया, यहां से x हमने बाहर निकाल लिया था यानी कॉमन निकाल लिया था, यहां पर रह गया y। यहां से 8 हम कॉमन निकालते हैं तो x प्लस वाई यहां पर रह जाता है। अब दोनों ब्रैकेट्स सेम है, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम है, तो हम x प्लस वाई कॉमन निकाल लेंगे, यानी ये x प्लस वाई यहां पर भी है इस इक्वेशन में, ये x प्लस वाई इस इक्वेशन में भी है, तो x प्लस वाई को हमने कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। बाकी क्या बच जाता है ब्रैकेट से बाहर, यहां से x बच जाता है, यहां से 8 बच जाता है, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट सम जो कि फैक्टराइज का था। सेकेंड सम में हम इसी तरीके से पेयर बनाएंगे, 15xy माइनस 6x, यहां से 5y माइनस 2, यहां से हम 15 और 6 किससे डिवाइड होता है 3 से डिवाइड होता है, और यहां से x और दोनों में x है तो x भी कॉमन निकल जाएगा, यहां से बच जाएगा 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, x हमने बाहर कॉमन निकाल चुके हैं, यहां से पेंडिंग रह जाएगा y, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, x पहले ही बाहर निकल चुका है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिन इक्वेशंस में कुछ भी कॉमन नहीं होता उनमें हम क्या मान के चलते हैं 1, तो 5y माइनस 2 यहां से हो जाएगा। अब 5y माइनस 2, 5y माइनस 2 दोनों में सेम है, तो हम इसी को कॉमन निकाल लेंगे, और ब्रैकेट से बाहर यहां पर बच जाता है 3x, यहां पर बच जाता है 1, और साइन किस क्या है यहां पर 1 का, तो 5y माइनस 2 यहां से कॉमन निकलने के बाद ब्रैकेट के बाहर जो भी बचता है 3x प्लस 1, ये हम इस ब्रैकेट में लिख लेंगे। थर्ड सम में देखेंगे ax प्लस bx, एक हम यहां पर ये पेयर बना लेंगे, एक इन दोनों में पहले हम y को सॉरी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं पहले ही, क्योंकि यहां पर दोनों में माइनस साइन था तो पहले ही माइनस साइन निकालेंगे, तो यहां पर ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से हमने पहले माइनस का जो साइन था वो कॉमन निकाल लिया है। फिर एक्स यहां से कॉमन, तो ए प्लस बी बच जाएगा, यहां से माइनस पहले ही है, वाई कॉमन निकालेंगे तो ए प्लस बी इस ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, ए प्लस बी दोनों सेम है ब्रैकेट के अंदर, ये कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर यहां से एक्स बच जाता है, यहां से वाई बच जाता है, और इसके आगे क्या था माइनस का साइन, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। इसमें हमने क्या करना है, ये देखना है कि हम किसके पेयर बना सकते हैं, तो सबसे पहले मैं 15p क्या हूं और मैं लेता हूं 29 क्या को ले लेता हूं, तो यहां से 15p क्या प्लस 9 क्या, एक हमारा पेयर ये बन जाएगा और दूसरा पेयर 15 प्लस 25p ये बन जाएगा, तो 15 और 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहां से p क्या हो, यहां से क्या हो, तो क्या हो कॉमन, यहां से आ जाएगा 5 और p, यहां से आ जाएगा 3 और ये क्या हो पहले ही कॉमन निकल चुका है, 15 और 25 5 से डिवाइड होता है, तो यहां 5 3 जा 15, 5 5 जा 55 और p यहां से पेंडिंग, तो यहां पर देखो ये है 5p प्लस 3, ये 3 प्लस 5p बात सेम है, चाहे हम इसमें 5p प्लस 3 है या 3 प्लस 5p, ये ध्यान रखना है ये दोनों सेम कब होंगे, जब इनके क्या है यहां पर साइन भी सेम है, तो अब हम क्या करेंगे ये दोनों में कॉमन है 5p प्लस 3, बाहर क्या रह जाता है ब्रैकेट के बाहर 3 क्या प्लस 5, ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। फिर जेड माइनस 7 7xy माइनस xyz, हम क्या करेंगे जेड और xyz का हम एक पेयर ले लेते हैं, यहां से बच जाएगा
सेवन एक्स वाई और यहां से माइनस सेवन। अब इसमें देखो जेड और एक्स वाई जेड यहां से कॉमन क्या है, जेड कॉमन है तो यहां से बच जाएगा वन और एक्स वाई माइनस का, यहां से सेवन कॉमन है यहां से बच गया एक्स वाई माइनस वन। अब ये देखना है क्योंकि यहां पर भी वन माइनस एक्स वाई है लेकिन यहां पर एक्स वाई माइनस वन है, हमें इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से हम अगर यहां से चाहो या यहां से आप क्या करोगे, यहां से हम क्या ले लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस की है वो क्या हो जाएगी प्लस। अब हम इसको दोबारा से रीराइट करेंगे तो माइनस सेवन, ये वन पहले आ जाएगा एक्स वाई बाद में। अब देखो ब्रैकेट के अंदर वन माइनस एक्स वाई, वन माइनस एक्स वाई सेम है, इसी को हम कॉमन निकाल लेंगे और ब्रैकेट से बाहर क्या बच जाता है जेड माइनस सेवन, ये हमारा आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको 14.3 का जो सॉरी 14.1 का जो थर्ड सम था इसमें फैक्टराइज करनी है। हमारी एक्सरसाइज 14.1 होती है कंप्लीट और जो हमारी नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज है वो हम करवाएंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।